بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى اله وبارك وسلم. السلام عليكم. مجھے بتائیے گا آواز اور اسکرین دونوں کو کلیئر ہے؟ خاص اور اسکرین دونوں چیزیں کلیئر ہیں؟ جی وائس اور اسکرین کے اوپر مجھے پلیز فیڈ بیک دیجیے گا. वॉइस और स्क्रीन जी, अब बताइए, अब आवाज क्लियर है? ठीक है, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. स्प्रिंग 2022 का फुल फ्लैश पेपर देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि आईकैप ने कहां कहां से किन किन एरियाज को टेस्ट किए, किस तरीके से हमें उस कहां से ड्राफ्ट करना चाहिए था, कितने क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कितने क्वेश्चंस क्रैमिंग बेस्ड हैं, कितने क्वेश्चंस लॉजिकल हैं, देखते हैं. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में जब आप पेपर अटेंड करने के लिए जाते हैं तो आपने देखना है कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या लिखी हुई है. ये बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में जो पहली लाइन होती है वो ये बता रही होती है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पेपर में. 11. अक्सर अवकात बच्चे पेपर को सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं, वो कुछ सवाल मिस कर जाते हैं जो कि पेपर के एंड पे लगे होते हैं या पेपर के बीच में से कोई पूरा पेज मिस कर जाते हैं. तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़नी है. तो आपने 11 क्वेश्चन सॉल्व करने, आपने अपना आंसर ब्लैक पेन से ड्राफ्ट करना और आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको आंसर स्क्रिप्ट पे ही सॉल्व करना है, इसके अलावा आपने किसी और जगह उसको सॉल्व नहीं करना. तो ये तीन चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, ब्लैक पेन का इस्तेमाल और एमसीक्यूज को आपने आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर ही सॉल्व करना. जब आप आईकैप के पेपर देखते हो तो सबसे पहला सवाल कंपनी लॉ में एमसीक्यूज का आपको नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे भी उसने एमसीक्यूज पूछे हैं और हर एमसीक्यू का एक नंबर. तो इसका मतलब ये है कि 15 एमसीक्यूज आपके इस पेपर में शामिल होंगे. यस, 15 एमसीक्यूज जो कि 3 पेजेस के ऊपर स्प्रेड है, यानी कि 6 पेपर्स में से 3 पेपर के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही हैं और बाकी 3 सफों के ऊपर उसने आपसे थ्योरी पूछी है. अब जब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं तो आपने सबसे पहला जो एनालिसिस करना है एग्जाम हॉल में बैठ कर, कितने सवाल ऐसे हैं जो कि क्रैमिंग बेस्ड है. अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो 6 और 4 10 नंबर का सवाल है और ये लग रहा है कि एक सिनेरियो बना हुआ है, ऊपर टेबल है, नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसको बाद में देखते हैं. नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ भी आपको ऊपर 2 पैराग्राफ्स बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं और एक सिनेरियो की टच लग रही है कि ब्राउन एंटरप्राइज है, ये कर रही है, वो कर रही है. तो 5 नंबर के सवाल में भी आपने खुद को थोड़ी सी ब्रेक लगा देनी है. क्वेश्चन नंबर 4 7 मार्क्स का है, इसमें भी आपको कुछ ऊपर छोटे से पैराग्राफ 2 नजर आ रहे हैं, फिर नीचे एक रिक्वायरमेंट नजर आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा. तो आगे चलते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए 2 नंबर और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी 3, 2 और 2, यानी कि कुल मिला के हो गए 9 नंबर मुझे यहाँ से क्रैमिंग बेस्ड नजर आ रहे हैं. मुझे यहाँ से स्मेल आ रही है कि ये 9 नंबर मेरे क्रैमिंग बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5. तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा लिया कि ये मैंने सवाल सबसे पहले अटेम्प्ट करने, ताकि जो मुझे रटा आता है वो फौरन का फौरन मैं लिख दूं, ताकि वो फिर मेरे दिमाग से स्किप ना हो जाए. दैट शुड बी द मेन गेम. फिर क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो ये 3 पार्ट है, 12 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है और देखते ही आपको एक सिनेरियो वाली फील आ रही है, तो इसको फिलहाल होल्ड कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है 8 नंबर के लिए, ये मुझे लग रहा है कि क्रैमिंग बेस्ड है. तो यहाँ पे भी आपने स्टार्ट लगा लिया कि यस, ये एक सवाल है जो कि रटे वाला है और मैंने इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना. फिर मजीद आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 नंबर का है, सिनेरियो बना हुआ है, छोड़ देते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 सिनेरियो बना हुआ है, इग्नोर करते हैं फिलहाल. क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो कि रट्टे से आंसर हो सकते हैं,
एक 5 नंबर का सवाल है और एक 8 नंबर का सवाल है। तो 85 मार्क्स में से मुझे अभी तक जो बिल्कुल टाइप वन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नजर आए हैं वो है 8 जमा 5 13, 13 में 2 ये ऐड करते हैं 15, 15 और 9 24, 24 24 और 24 में हम मजीद क्या क्रैमिंग बेस्ड ऐड कर सकते हैं? यस, 24 में हम 8 नंबर मजीद ऐड कर सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 32 नंबर का सवाल ऐसे हैं, 32 मार्क्स के सवाल ऐसे हैं जो कि आई के आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे, मोर देन 30। और ये मोर देन 30 100 में से नहीं है, ये मोर देन 30 85 में से। तो जरा मुझे परसेंटेज बताइएगा, 32 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या परसेंटेज आती है क्रैमिंग बेस्ड सवालों की 85 में से, जरा बताइए क्या परसेंटेज आ रही है? थर्टी टू डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100 करें, थर्टी आंसर क्या आता है आपके पास? तकरीबन 38%, तकरीबन 38% का एरिया ऐसा है जो कि आई कैप ने बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड आपसे पूछा। अब देखते हैं सवाल कौन से हैं और हमें इनको किस तरीके से आंसर करना चाहिए। एंड से स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि जनाब अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। वो कहना चाह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में भी बता दे और इसकी रिमूवल के बारे में भी बता दे। इसका मतलब है कि उसने सब्सिक्वेंट जो एरिया है फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव उसको टेस्ट किया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स वो आपसे पूछ रहा है। और 4 नंबर के लिए एक सवाल के अंदर उसने 2 सवाल पूछे हैं, आपने अपॉइंटमेंट के लिए भी बात करनी है और आपने रिमूवल के ऊपर भी बात करनी है। तो टेक्निकली 2 नंबर इसके होने चाहिए और 2 नंबर ही इसके आपको मिलने चाहिए। तो ये एक क्रैमिंग बेस्ड सवाल है जो कि उसने पूछा है चैप्टर नंबर 4 से और आई थिंक ये इजी सवाल है और ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीफ जो आपका सीईओ है वो फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स आपने उसको 14 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंट करना होता है, या अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो आपने उसको अपॉइंट करना है विद इन 14 डेज, और इस जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर्स की। और क्या इसके अंदर इलेक्टेड डायरेक्टर्स आ सकते हैं? जी जनाब आ सकते हैं। और ये अपॉइंटमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? 3 सालों की होती है। तो ये आपने सारी बातें अपॉइंटमेंट के अंदर डिस्कस कर देनी है। फिर आपसे वो पूछ रहा है रिमूवल, तो रिमूवल की रिक्वायरमेंट एज इट इज आपने उठा के किताब से लिख देनी है। जो रेजोल्यूशन वाली बात है 3/4 वाली बात वो यहाँ पे कर रहा है कि कंपनी जो है वो स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी उसको रिमूव करने के लिए, और अगर गवर्नमेंट या इस तरह का कोई इदारा हो तो वहां पे 75% में वोटिंग राइट्स वाली बात है। तो ये 4 नंबर आपके बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड है, ये आपको आने चाहिए। अगर आपका ये एरिया तैयार है तो आपको इस 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जो नीचे वाला 4 नंबर है वो कहता है कि जनाब लिस्ट ऑफ द मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब उसने पूरी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कंटेंट नहीं पूछे आपसे, सिर्फ उसने बिजनेस रिव्यू वाली बातें पूछनी है। तो हमें पता है कि बिजनेस रिव्यू में कौन सी बातें आती हैं। आप यहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स कौन सी हैं, कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंस की पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, इम्पैक्ट क्या आएगा, कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज अंडरटेक कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी क्या अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है या नहीं, डायरेक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स को देख रहे हैं। ये सारी की सारी बातें आपने 4 नंबर के लिए लिख देनी है। 8 नंबर का प्योर क्रैमिंग बेस्ड एरिया आपको आ जाना चाहिए। अब अगर आपको ये 8 नंबर आते हैं और
प्योर रट्टे वाले अगर आपको 8 नंबर आते हैं तो यकीन मानिए अब आप 50 में से 42 के फासले पे आ गए। मतलब अगर आपको ये रट्टा याद है, एक एक वर्ड अगर आपको आता है, तो फिर आपको यहाँ से पूरे मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्वेश्चन नंबर 11 प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मजा आया देख के, या आपने रट्टा इसमें अपना रिप्रोड्यूस कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 वो कहते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई करें बिजनेसेस जहां पे मैंडेटरी है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले एज अ कंपनी। चैप्टर 1 में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की है कि ऐसे कौन से बिजनेसेस होते हैं जहां पे कंपनी को बनाना शर्त हो जाता है। आपने बात करनी है वो 20 लोगों से ज्यादा वाली बात, और साथ ही नीचे वो उसकी एक्सेप्शन भी पूछ रहा है कि जनाब 3 एक्सेप्शन बता दें कौन सी। तो आपको पता है ज्वाइंट फैमिली वाली बात आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप वाली बात आप कर सकते हैं, उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म्स जो कि कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस करती हैं उनकी बात यहाँ पे आ सकती है, सोसाइटी बॉडी ऐसी कोई एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान में फॉर्म की जाती है किसी और लॉ के तहत, इस तरह की बातें जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 बता रहा है वो आपने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देनी है 5 नंबरों के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 से क्लाइमिंग बेस्ड एरिया पूछा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से पूछ लिया, और यहाँ पे उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट नामी चैप्टर में से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल पूछा। तो 8 जमा 5 13 नंबर बिल्कुल सीधे साधे स्मूथ और इजीली आंसरेबल है, शर्त यह है कि आपकी ग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर एग्जाम हॉल में बैठ के आपने अपने सिनेरियोस को अटेम्प्ट नहीं करना, आपने सारे के सारे ग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस को 1 गो में आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 8 नंबर के लिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द रिस्पांसिबिलिटीज जो कि एक पर्सन की होती है, पर्सन का नाम क्या आपने बता दिया, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया तो बताइए उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। वाइंडिंग अप में से बिल्कुल सीधा सा सवाल उसने पूछ लिया है, किताब में आप देखेंगे तो आपको एक लिस्ट आती है नजर जिसमें तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है उस ऑफिशियल लिक्विडेटर की जो कि अपॉइंट किया गया है कोर्ट की तरफ से, उसने क्या क्या जिम्मेदारियां पूरी करनी है, उसने जनाब डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है 7 दिनों के अंदर अंदर, उसने कोर्ट को सिक्योरिटी वगैरह पे करनी होती है, रेजिग्नेशन के टाइम पर उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, अगर एक से ज्यादा लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए तब उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, कौन कौन उसकी जिम्मेदारियां डिसाइड करेगा, फर्दर रिपोर्ट उसने कौन कौन सी जमा करवानी है कोर्ट को, सर्टिफाइड कॉपीज उसने भेजनी है। तो यहां से आपकी एक अच्छी क्राइमिंग आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां बतानी है। यस, ये जिम्मेदारियां आपको ढूंढनी पड़ेंगी चैप्टर में से, मगर अगर आपको चैप्टर तैयार है तो कोई मसला यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो 13 जमा 8 21 नंबर हमें नजर आए बिल्कुल सीधे साधे, और चले 21 में से अगर हम लोग 16 भी ले लें, 17 भी ले लें, या चले 15 भी ले लें, स्टिल बहुत अच्छे चांस है कि आप ये पेपर निकाल सकते हैं अगर आप क्लाइमिंग बेस्ड सवालों में अच्छा परफॉर्म कर लें। तो फिर इसके ऊपर जनाब अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्कस करें मैनर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लें जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो वाली बातें 2 नंबर के लिए बता दें। अब यहाँ पे तो आप 2 में से 2 नंबर आसानी से ले सकते हैं, कोई मसला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपने बस ये बताना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, उसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है। किताब में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि कंपनियां जो है वो डाटा बैंक मेंटेन करके रखती हैं जिसके अंदर नाम एड्रेस क्वालिफिकेशन होती हैं जो कि उन लोगों के होते हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी एलिजिबल और वो विलिंग होते हैं कि वो उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सके। ये कौन मेंटेन करता है, इदारा बॉडी एसोसिएशन जिसको नोटिफाई करती है कमीशन ने, और इसका उस काम में एक्सपर्टीज भी हो और उसको डाटा बैंक मेंटेन करने की आदत हो। तो ये 2 नंबर के लिए आपने कानून की बात को एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना था। तो ये वो सवाल है जो कि हमें नजर आ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से, मजीद इसको देखते हैं। अब चलते हैं कुछ ऐसे सवाल ढूंढते हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड हो और हम उनको आंसर कर सके। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट देते हैं। क्रिमसन लिमिटेड, क्रिमसन लिमिटेड सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब याद रखना है कि जब भी जो भी सवाल आपको सिनेरियो बेस्ड नजर आए आपने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को गौर से देख लेना। रिक्वायरमेंट अगर आपको समझ आ गई तो अब आप उसका जो मेन सिनेरियो है आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं।
वो कहते हैं कि जनाब इम्पैक्ट बताना है, क्या बताना है, जूम कर देते हैं, आपने इम्पैक्ट डिस्कस करना है किसका, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं किस पे, ऑथराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर, यानी कि ऊपर सवाल में डायरेक्टर्स ने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के ऊपर और पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर, आपने डिस्कस करना है कि उनके उस प्लान का क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और ये हमें ऊपर उनका प्लान नजर भी आ रहा है, यहाँ पे ये प्लान लगा हुआ है, और आपने बताना है कि उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्ट बी में जो बात कर रहा है प्रोसीजर वाली, दैट इज क्रामिंग, दैट इज क्रामिंग। मगर जो पार्ट ए है वो थोड़ी सी लॉजिकल सेंस रख रहा है। आइए सवाल पढ़ते हैं। सीएल वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2018 अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी विद द फॉलोइंग ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। नीचे उसने ऑथराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल बता दिया, दो क्लासेस का बताया, क्लास ए और क्लास बी। इसका मतलब यह है कि सीएल के दो दो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर हैं, एक क्लास ए है एक क्लास बी है, और दोनों का उसने ऑथराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल आपको बता दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन, और नीचे उसने आपको उसकी फेस वैल्यू बता दी है 15 रुपए और 40 रुपए। नीचे वो कह रहा है कि डायरेक्टर्स जो है वो तीन डिफरेंट प्लान्स के साथ आ रहे हैं, नंबर वन ये क्लास बी के लिए, ये क्लास ए के लिए और ये क्लास बी के लिए। तो क्लास बी के लिए दो बातें हैं, क्लास ए के लिए एक बात है। क्लास बी में वो कह रहे हैं कि कैंसिल कर देते हैं हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ क्लास बी बाय 350 मिलियन, यानी कि ये जो ऑथराइज्ड है शेयर कैपिटल 800 का, इसको कम कर देते हैं 350 से। पॉइंट टू में वो कह रहा है कि जो क्लास ए के शेयर्स हैं उनको कंसोलिडेट कर देते हैं, और पार्ट थ्री में वो कह रहे हैं कि सब सब डिवाइड कर देते हैं क्लास बी के शेयर्स को, यानी कि उसने जो ऑथराइजेशन सॉरी जो एरिया है शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज करने का, ऑल्टर करने का, वो वाली बातें यहाँ पे वो लॉजिकली पूछ रहा है। इससे पहले आई के अपने उसको रट्टे में तो टेस्ट किया हुआ है अपने पुराने पेपर्स के अंदर, मगर लॉजिकल टेस्टिंग इस एरिया से उसने कर दी है। अब अगर आपको क्लास में डिस्कस की हुई एग्जाम्पल्स याद हो तो हम इसको बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। बच्चे आई डोंट नो व्हाई सवाल में परेशान होते हैं, अगर आपने वो एग्जाम्पल जो हम क्लास में करते हैं वो की हुई है तो ये इसको अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान है। इसको करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले और देखते हैं, सवाल में समझ आ गया, लेट्स ड्रॉ दिस। तो हमारे पास दो तरह के शेयर हैं, एक क्लास ए शेयर है और दूसरा मेरे पास है क्लास बी शेयर। पहले क्लास ए की बात कर लेते हैं, वो कह रहा है कि कंसोलिडेट कर दें दो शेयर्स ऑफ क्लास ए इनटू वन शेयर, दो शेयर्स को एक शेयर में आपने कंसोलिडेट करना। सबसे पहले क्लास ए के शेयर्स को हम लिखते कैसे हैं, हम हमेशा बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आता है रुपीज इन मिलियन। एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग जो उनका प्लान है क्लास ए के लिए वो ये है कि उसका ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है वो आ रहा है 1200 इंटू 15, ये हो गए 18,000, और जो पेड अप आ रहा है वो आ रहा है आपका अलग अलग करें 600, ये 600 इंटू 15, 600 इंटू 15 ये हो गया मेरे पास 9,000। तो अब आपने इसको ऑल्टर करने हैं, दोनों को आपने ऑल्टर करना है, आपने कंसोलिडेट करना है। अब जब हम लोग कंसोलिडेट की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम दो शेयर्स को मिला के एक सिंगल शेयर का दर्जा देते हैं, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, यानी कि हमें दो शेयर्स को मिलाना है और एक शेयर बनाना है। अब जब हम लोग दो शेयर्स को मिलाएंगे तो ये क्या फेस वैल्यू 15 से बदल के 30 हो जानी चाहिए, जब दो शेयर्स मिलेंगे तो उनकी वैल्यू 15 जमा 15 30 हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कंसोलिडेशन की यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाना चाहिए, ये भी मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाना चाहिए।
अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जब मैंने फेस वैल्यू को डबल कर दिया है, हमेशा ये अमाउंट सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकती। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब मैं 18,000 को डिवाइड कर दूंगा 30 पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे? 600। यहां पे भी 9,000 को तकसीम कर दें 30 पे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 300। तो हमेशा याद रखना है, कंसोलिडेशन में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ के ऊपर। अब ये 1200 थे, जब मैंने कंसोलिडेट कर दिया तो ये 1200 से कम हो गए, कितने हो गए? 600। ये 600 थे, ये कम हो गए कितने? हो गए 300। अब चलते हैं क्लास बी की तरफ, और क्लास बी में उसने एक नहीं दो बातें की हुई है, दोनों बातों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट वन को देखते हैं। पॉइंट वन में वो कह रहे हैं कि जनाब कैंसलेशन है, कैंसलेशन की बात कर रहे हैं कि आप शेयर्स को कैंसिल कर दें, कैंसलेशन की तरफ ले जाएं। तो कैंसलेशन में आप लोगों ने क्या करना है, याद रखिएगा, आपने आपने नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर देना होता है। अभी एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग है क्लास बी के लिए, और वो सिर्फ बात कर रहा है ऑथराइज की। तो यहाँ पे हम लोग पेड अप को डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ऑथराइज की बात करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल। एग्जिस्टिंग जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है ऑथराइज की, वो आ रही है 800 मल्टीप्लाई बाय, ये 800 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 32,000। और अब वो कह रहा है कि इसमें से 350 शेयर को कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि 800 में से 350 को माइनस कर दिया जाए। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस करने के बाद? 450। तो अब 450 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 18,000, 18,000। दिस इज योर पार्ट ए या पार्ट वन। और क्या इसका पेड अप पे कोई फर्क आएगा? क्योंकि सवाल ने नहीं कहा कि इसका इसको पेड अप के ऊपर भी आपने इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ उसने कहा था कि आपने ऑथराइज कैपिटल को लेकर चलना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नो इफेक्ट। फिर क्लास बी की तीसरी बात भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लास बी में वो एक और बात भी कर रहा है। अब वो ये कहता है क्लास बी में, सब डिवाइड कर दें, वन शेयर ऑफ क्लास बी इंटू टू शेयर हैविंग इक्वल फेस वैल्यू, हैविंग इक्वल फेस वैल्यू। अब यहां पे वो बात कर रहे हैं सब डिविजन की, और ये सब डिविजन, सब डिवीजन क्या है? ये ऑथराइज के ऊपर भी एप्लीकेबल है और ये पेड अप के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब अगर मैं ऑथराइज की बात करता हूं और सब डिवीजन की बात करता हूं, ऑथराइज की बात कर रहा हूं और सब डिवीजन की बात कर रहा हूं, इट मींस अभी यहां पे क्या हो, अभी यहां पे क्या हो रहा है? सब डिवीजन में क्या होता है? सब डिवीजन में आपने उसको, मुझे बताइए मेरी आवाज सबको क्लियर है, आवाज के बारे में फीडबैक दीजिएगा जी। सब डिवीजन में क्या होता है कि आपने उसको टू से डिवाइड कर देना होता है। तो अगेन एक्स विल बी नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स विल रिमेन द सेम, मेरा एक्स वही रहेगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, एग्जिस्टिंग क्या है 40, सब डिवाइड 2 से करते हैं, यहां पे भी एक्स मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 2, एक तरफ आंसर क्या आना चाहिए 18,000 और एक तरफ मेरा आंसर क्या आना चाहिए 16,000। तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 18,000 और एक्स मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 16,000। तो एक तरफ मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 900 और एक तरफ मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800। तो इस तरीके से आपने आंसर करना था। आसान सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अगर आपने क्लास का लेक्चर अटेंड किया हो जिसमें हम लोगों ने सारी वर्किंग की थी, तो आप ये सवाल अब इजीली आंसर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब जो पार्ट बी है, पार्ट बी में वो आपसे कह रहा है कि जनाब आपने प्रोसीजर बताना जो कि फॉलो किया जाएगा इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अब
हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर अब आपने क्लॉज को चेंज करनी है, मतलब आपने शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करनी है, तो आप बुलाते हैं जनरल मीटिंग, नोटिस जाएगा मेंबर्स को, चूंकि कंपनी अनलिस्टेड है तो उसके लिए अगर मेंबर्स 50 से ज्यादा नहीं है तो हम वो सर्कुलेशन वाली बात भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर रेजोल्यूशन पास होगी, क्लास ए के शेयर वालों से पूछा जाएगा, बी वालों से पूछा जाएगा, कॉपी फाइल होगी, रजिस्ट्रार के पास जाएगी। ये सारी सारी बातें आपने 4 नंबर के लिए जो लॉजिक वाला पोर्शन है हमने डिस्कस कर लिया पार्ट ए में। पार्ट बी में जो क्रैमिंग है वो अब आपको लिख लेनी है यहाँ पे, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 5 नंबर के लिए रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्कस द कंडीशंस दैट मस्ट बी कंप्लाइड इन विद इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द अबव ट्रांजैक्शन। ऊपर एक ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने बताना है कि इस ट्रांजैक्शन को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो आपको कौन सी कंडीशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, ये वाला सवाल पढ़ें ताकि आपको बात पहले खुद से समझ आनी चाहिए। जी सवाल पढ़ लिया, सवाल पढ़ा, लॉजिकल टेस्टिंग करने जा रहे हो आपसे। सवाल समझ आया किसी को? जी सवाल समझ आया, जी बताइए। अच्छा जी, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कंपनी है ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड जो कि लैंड खरीदना चाह रही है, उसकी नीयत है कि वो लैंड को परचेज करे और कैश में नहीं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो लोग 5th फ्लोर ऑफ आ प्रपोज शॉपिंग मॉल। ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड, ये जो BEL है, BEL एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैसी है? ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें लैंड के बदले क्या जा रहा है, 5th फ्लोर ऑफ शॉपिंग मॉल। और नीचे वो कहता है कि OL और BEL। अब दो उसने मजीद चीजें ऐड कर दी हैं,
एक ओवल को ऐड किया ऑर्चर्ड लिमिटेड को, और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो BEL है इसका क्या रिलेशन बन रहा है, यानी कि इन दोनों कंपनीज का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या ये आपस में होल्डिंग सब्सिडियरी बन रही है या नहीं बन रही, पहले हमने ये चीजें देख लेंगे। अब होल्डिंग सब्सिडियरी बनने के लिए आपको पता है कि दो तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, एक या तो आपकी कॉम्पोजिशन कंट्रोलिंग पावर हो और दूसरी शेयर होल्डिंग 50 ऊपर जा रही है। और जब हम शेयर होल्डिंग 50 ऊपर जाने की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी होती है। तो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट वो कितने कर रहा है, डायरेक्ट वो कर रहा है, डायरेक्ट जनाब वो कर रहा है, कहा लिखा हुआ 125, 125 वो डायरेक्ट कर रहा है। और टोटल कितना है 500, तो 125 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, जो बताइए आंसर क्या आ रहा है, 125 तकसीम 500 जरब 100, आंसर क्या आएगा, कितने परसेंट है, 25%। और इनडायरेक्ट कितनी कर रहा है, बजरिया TEL टी लिमिटेड 130, तो 130 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 ये आ जाएगी मेरे पास 26%। दोनों को ऐड करते हैं 51, क्या ये 50 को क्रॉस कर गया जी, क्या ये 50 को क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जब ये 50 को क्रॉस कर गया इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंपनीज के दरमियान अब एक होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप मौजूद हो गया। अभी दोनों कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी हैं और होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब ये है कि कंपनीज आपस में एसोसिएट्स भी हैं, ठीक हो गया। अब एसोसिएटेड कंपनी के बीच में अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो रही हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अब यहां से ऑनवर्ड्स आपका रट्टा शुरू होता है। सबसे पहले आपने ये जज किया कि दोनों कंपनी के दरमियान रिश्ता क्या है, होल्डिंग सब्सिडियरी बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है। अगर बन रही है इसका मतलब है कि वो आपस में एसोसिएटेड कंपनियां भी हैं, और जब वो एसोसिएटेड कंपनियां भी हैं अब इसका मतलब ये है कि आपने एसोसिएटेड कंपनीज के दरमियान जो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं उसको किस तरीके से डील करते दिखाना है। अब आपने बताना है कि जनरल मीटिंग कॉल होगी, लेटर्स को बुलाया जाएगा, रेजोल्यूशन पास होगी, नोटिस जाएगा, लैंड जो परचेज करना है उसकी वैल्यू दिखी जाएगी, फिर फ्लोर की वैल्यू दिखी जाएगी, वैल्यूअर को बुलाया जाएगा, इंटरेस्ट के ऊपर चीजों को जो है वो दोबारा से कंसिडर किया जाएगा, फैक्ट सामने रखे जाएंगे। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड्स वो सारा क्राइमिंग लिस्ट आपने 5 नंबर के लिए बता देना है। इसका मतलब ये है कि जो आपने कंडीशंस डिस्कस करनी है, जो आपने ये वाली वर्किंग की है इसके शायद कोई 1 से 2 नंबर होगा और बाकी जो प्रोसेस है उसके शायद 3 नंबर के करीब आपको आईक्यू दे रहा होगा। तो ये सवाल भी टेक्निकल सवाल तो मैं इसको नहीं कहूंगा, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि होल्डिंग सब्सिडियरी किस तरीके से बनती है, और जब वो होल्डिंग सब्सिडियरी बन जाए तो उसका आपस में एसोसिएट का रिश्ता भी डेवलप हो जाता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे डिस्कस लाजमी करनी थी। डन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे लिए क्या बात है, 7 नंबर का सवाल है। वो कह रहे हैं डिस्कस करते हैं प्रोविजंस को जो के कंप्लाई हो जानी चाहिए ऊपर के सिनेरियो में रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, यानी कि लोन के ऊपर जो किताब में प्रोविजन लिखी है आपने वो बातें बतानी है। देखते हैं, BPL एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जिसको मैनेज कर रही है आइवरी पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी मैनेजेरियल पावर्स किसके पास है, मैनेजेरियल पावर्स है आइवरी पाकिस्तान लिमिटेड के पास, IPL के पास। BPL has been using a specialized raw material for production of its main product. वो एक specialized raw material इस्तेमाल करते हैं। अब उनको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में डिमांड है और वो चाहते हैं कि अब हम उसको एक्वायर कर लें, और एक्वायर किस तरह करें, इंटरेस्ट फ्री लोन लें
इंटरेस्ट फ्री लोन लें 2 सालों के लिए, किससे लें, जेपीएल से, यानी कि जेपीएल की कंपनी है जो कि इनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने में शाना बशाना है, ताकि इनको लोन मिल जाए और वो अपने एक्सपेंशन फैसिलिटीज को बढ़ा लें। जेपीएल इज ऑल्सो मैनेज बाय आईपीएल। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि आईपीएल जो मेन कंपनी है वो जेपीएल को मैनेज भी करती है। अब यहां पे भी जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया, दैट इज एसोसिएटेड कंपनी में, आपको याद होगा अंडर कॉमन मैनेजमेंट, याद है कि वो तमाम कंपनियां जो कि अंडर कॉमन मैनेजमेंट आ रही हैं, वो एक दूसरे की एसोसिएट्स कहलाती हैं। वो एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, एसोसिएट्स कहलाती हैं। तो बीपीएल जेपीएल दोनों को कौन मैनेज कर रहा है, आईपीएल। इसका मतलब यह है कि बीपीएल और जेपीएल आपस में कौन होगी, एसोसिएट। तो एक ये मेन कंपनी थी आईपीएल, इसके अंडर 2 कंपनीज आ रही हैं, एक बीपीएल आ रही है, एक जेपीएल आ रही है। ये चूंकि कॉमन मैनेजमेंट है तो ये आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएट्स। और एसोसिएट्स के केस में अब आपने लोन वाली सारी बातें कर देनी जो कि किताब में आपको लिखी हुई, कि लोन अगर एसोसिएट कंपनी को देना हो तो किस तरीके से दिया जाएगा, क्या 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 कंडीशंस आपने पूरी करनी है, बस ये रिश्ता बता के 6 नंबर के लिए उसने अब आपसे आगे सारा का सारा रट्टा पूछ लिया। जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, नोटिस जाएगा, रेजोल्यूशन पास होगी, लोन को ग्रांट किया जाएगा, नेचर, पर्पस, पीरियड, फी, कमीशन, स्केड्यूल, वो सारी बातें आपने लिख देनी है। बोरिंग कॉस्ट वाली बात यहाँ पर आ जाएगी, आर्टिकल्स में वो चेंज वाली बात यहाँ पर कर देंगे, रजिस्टर जो इन्वेस्टमेंट का मेंटेन होता है वो वाली बात कर देंगे। तो 6 नंबर के लिए प्योर क्राइमिंग सवाल है, बस ऊपर उसने 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपको थोड़ा सा उलझाया ताकि आप इन दोनों की रिलेशनशिप में पहले पहुंच जाएं और फिर उसने आपसे क्राइमिंग को टेस्ट किया। तो देखिए आईक्या पूछता क्राइमिंग ये, मगर उसको थोड़ा सा सिनेरियो के साथ ऐसा लिंक बना के चलता है कि आप थोड़ा सा फंसे और उसके बाद अगर आप वहां से निकले हैं तो फिर आप पूरे नंबर लेने के काबिल हुए हो। इस पेज में से हम लोगों ने ये वाला सवाल तो डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी है, आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की प्रोविंस लिखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी बातें आपको आसान है, ये रटे वाली बातें हैं, आप ये याद करके लिख सकते हैं। वॉलेट के सवाल पे आते हैं, ये सवाल पढ़ें और मुझे बताइए सवाल में क्या आपको परेशानी हो रही है। रीड दिस क्वेश्चन, डू रीड दिस आउट।
जी सवाल पढ़ लिया, वीएल वाला, तीन बातें पूछ रहा है, और पूछ रहा है किस चैप्टर में से, मीटिंग्स में से उसने ये सवाल पूछे आपसे। वो कहता है सबसे पहले टाइम पीरियड क्या होना चाहिए टू होल्ड स्टैचुरी मीटिंग, स्टैचुरी रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स बताते हैं। अब ये देखें विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल, 5 नंबर की क्रमिंग है, और क्या स्टैचुरी मीटिंग अवॉइड की जा सकती है, 2 नंबर के लिए भी बता दें। वी आर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ है कब, 1 अगस्त को, तो पहली डेट आ गई 1 अगस्त। कंपनी की मैनेजमेंट हैज ड्यूली वेरिफाइड डिक्लेरेशन अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और जो कि एक्सेप्ट हो गई है, और रजिस्ट्रार 1 अक्टूबर दूसरी डेट आ गई, यानी कि ये डेट है जहां पे डिक्लेरेशन वगैरह की बातें हो रही हैं। ऑपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं 15 अक्टूबर से, तीसरी डेट। हाउएवर इट वाज रिवील्ड दैट बिल्कुल पहले महीने में कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो मीट नहीं कर रही है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को, और इसको कवर करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रोडक्शन में, और देखा जा रहा है कि वो अपनी एक्टिविटीज को दोबारा से रिज्यूम करेंगे 25 नवंबर। यानी कि एक डेट, दो डेट, तीन, चार डिफरेंट डेट्स है हमारे पास। क्लोजिंग जो है वो हो रही है 30 सितंबर, पांचवी डेट भी हमारे पास आ रही है। जरा लिखते हैं, ये 5 डेट्स हमारे पास है। स्टेचुरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेचुरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, ये अर्लीएस्ट होनी चाहिए 2 डेट्स के मुकाबले में। पहली हम कहते हैं कि एक विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहां पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से हो रही है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से हो रही है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होती क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो होती है, वो डेट होती है जब रजिस्ट्रार ने डिक्लेरेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली हो और अपने पास रजिस्टर कर ली हो। वो कब हो रहा है, वो हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब यह है कि यहां से मुझे 180 डेज का काउंटर स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बन जाता है अगर मैं काउंट करूं तकरीबन 29 मार्च 2022। तो एक डेट तो ये आ गई, दूसरी डेट कहां से आएगी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 महीनों के अंदर अंदर। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला, ये मुझे मिला 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से 9 महीने ऐड कर लें, 1 अगस्त से अगर मैं 9 महीने ऐड करूं तो वो बनेंगे 30 अप्रैल 2022। इन दो डेट्स में से पहले डेट कौन सी आ रही है, 29 मार्च। तो मुझे 29 मार्च से अपनी स्टैचुरी मीटिंग लेट नहीं करनी चाहिए। सवाल ने सिर्फ आपको डिफरेंट डेट्स में घुमा के रखा था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो रेलिवेंट डेट तक पहुंच जाए तो वहां से कहानी आसान है। तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 3 नंबरों के लिए हमने यहाँ पे उसकी वर्किंग कर दी है। कॉन्टेंट्स जो स्टैचुरी रिपोर्ट में आने चाहिए, 5 नंबर की प्योर क्रामिंग है, प्योर क्रामिंग। और क्या अवॉइड की जा सकती है, की जा सकती है कब, जब आपकी पहली एजीएम इस 29 से पहले पहले हो जाए। यस कैन बी अवॉइडेड, मगर कैसे, उस वक्त अवॉइड कर सकते हैं जब आपकी फर्स्ट एजीएम, जो आपकी पहली पहली एजीएम है, वो 29 मार्च से पहले कंडक्ट हो जाए, इस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। होपफुली ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई मसला, कोई परेशानी, और क्लियर जा रहा है अभी तक, ऑल डन जा रहा है अभी तक। ओके,
पीयर लिमिटेड एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल है 9 मिलियन का, अभी तक उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए हैं, ईयर एंड 30 जून 20 और 21 आपको बना दिया है कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, और आपने बाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है जो कि क्रैमिंग बेस्ड है, तो ये वाला सवाल भी क्रैमिंग बेस्ड है बाइंडिंग अप का। तो बाइंडिंग अप ओवरऑल आके आपने पूछा ही रहता है, तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद सॉल्व करें, ये बहुत लॉजिकल है, ये मजा आएगा अगर आप ये सवाल खुद से सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये सवाल आपने खुद से करना है और कोशिश करनी है कि इसको आप सही तरीके से इसका हक अदा करें। एंड फिजा रहमान वाले सवाल को देख लेते हैं, इसके बाद कहानी को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, फिजा रहमान क्या है? फिजा रहमान कंपनी का सीईओ था, जीआईएल का, जीआईएल एक लिस्टेड कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, रॉ मटेरियल मंगवाने वाला है, क्रेडिट मार्क पे क्रेडिट पे करेगा। फिजा रहमान के जो फादर है वो 12% शेयर होल्डिंग रखते हैं सीपीएल में, इसका मतलब है कि भाई साहब इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड माने जाएंगे, और अब उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, नोटिस जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा, एक्सपायरी टाइम देखी जाएगी, फर्दर टाइम पीरियड की एक्सटेंशन देखी जाएगी, दोबारा से नोटिस जाएगा, तो वो सारी जो इंटरेस्टेड वाली बातें हैं। अगर आप डायरेक्ट रिलेटिव हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहे हैं तो वो जो बातें किताब में लिखी हुई है 6 नंबर के लिए आपने उठा के लिख देना। तो अगेन पेपर सीम्स इजी, पेपर मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट और आपकी ग्रामिंग अगर अच्छी हो तो आप आसानी से ये पेपर निकाल सकते हैं। कल हम लोग बात करेंगे जो बिल्कुल रिसेंट पेपर आया उसकी, और अगेन कुछ चीजों को लेकर चलते हैं। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं भी खोल दूंगा और आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।